शोभा, आप आए शोभा रसोई में। फ्रेंड, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ मैं ऐसा नाश्ता बनाने वाली हूँ जो हेल्दी भी है और ऑयली भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी के हिसाब से इसे सूजी ले लिया, जो रवा बोलते हैं, तो आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिएगा। इसको मैंने एक कटोरी सूजी ले लिया। अब हमने एक कढ़ाई ले लिया में डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया। इसको बॉईल होने देंगे। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो लाल वाले मिर्ची आते हैं उसे काट के डाल सकते हो। थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्ची। एक चम्मच डाल देंगे हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। पानी बॉईल हो गया हमारा, इसमें हम धीरे धीरे करके सूजी डाल देंगे। अब इसे हम उतार देंगे। ये हमारा डोसा हो गया। ज़्यादा हम गीला नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमें इसका डो बनाना है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने एक चम्मच ऑयल ले लिया, इसमें डाल देंगे दो चम्मच मैदा, छोटी चम्मच के दो चम्मच मैदा डाल दिया हमने। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेते हैं हम। देंगे हमें प्याज चॉप की हुई, थोड़ी सी रेड बेल पेपर, थोड़ा सा येलो और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली। इसे हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। में डाल देंगे एक चम्मच और अदरक और लहसुन ग्रेट की हुई, आप पेस्ट भी डाल सकते हो। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, एक हरी मिर्ची कुटी हुई। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आधी चम्मच डालेंगे हम मिक्स हर्ब्स। ये हमारे हो गए। ज्यादा हम इसे नहीं रोस्ट करेंगे, गैस को हम ऑफ कर देते हैं। हमें 100 ग्राम पनीर था, उसको 100 से थोड़ी सी ऊपर ही थी, इसे हमने ग्रेट कर लिया। हम इसको पकाएंगे नहीं, खाली इसमें मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई चम्मच हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। लास्ट में डाल देंगे हम एक चम्मच पिज्जा सॉस, आप चाहे तो टमाटो केचप भी डाल सकते हो। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। हमारा नाश्ते का अंदर का फिलिंग बन के रेडी हो गया। अब इसे हम निकाल देते हैं एक बाउल में। हमारा डो भी ठंडा हो गया। ज़्यादा हम ठंडा नहीं करेंगे, इसे अच्छे से गूंथ के चिकना कर लेंगे हम। हमने देखिए इसको अच्छे से चिकना कर लिया। और एक इस तरह से हम लोई लेके बेल लेते हैं। हम बेल लिए इसको, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे लेकिन ज़्यादा मोटा भी ठीक भी नहीं रखेंगे हम इसको। इसको हम कोई भी कटोरी या कुछ भी लेके हम इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। इसके ऊपर हम थोड़ा सा टमाटो केचप लगा देंगे। अब इसके अंदर हम जो फिलिंग बनाए थे ना, उसको डाल देते हैं इसमें। ऐसे एक साइड में डालेंगे, फिर उसको फोल्ड कर देंगे ऐसे करके। देखिए ऐसे हमने फिलिंग को इसे भर दिए। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। देखिए अब इसे हम शैलो पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम फ्राई पैन में एक चम्मच ऑयल डाल देंगे। हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। फ्रेंड देखिए हमारा मसाला इसलिए बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने बाइंडिंग होने के लिए हमने दो चम्मच मैदा फ्राई करके डाले थे, तो हमारा इससे हमारा मसाला निकलेगा नहीं।
हमारा एक तरफ से सीख गया। अब इसको हम पलट देते हैं। देखिए कितने सुंदर बन गए हमारे। मैं इसको फ्रेंड इंडियन टॉर्टिला नाम दे रही हूँ, आप चाहे तो कुछ और नाम सजेस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि हमारा ना तो इसमें मैदा है ना कुछ है, वेजिटेबल है और सूजी है, टोटली हेल्दी है, ना ही डीप फ्राई है हमारा ये नाश्ता, तो बहुत ही हेल्दी बना है और देखने में भी लाजवाब, खाने में भी बहुत ही टेस्टी। जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे ये रेसिपी को। ये हमारा हो गया, देखिए गोल्डन कलर, ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, इसे निकाल देते हैं। ये देखिए हमने बना लिए, अब बाकी की हम बना लेते हैं। फ्रेंड मेरी ये देसी टॉर्टिला बनके रेडी हो गए, देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मजा आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। कैसा लगा जरूर बताइएगा, मेरी डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में छोटी सी बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।